हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज क्या है, ये जो चिकन बनाया है ना मैंने, ये बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाया है। और ये चिकन भी ना डिफरेंट ही है, जैसे कि नॉर्मली मार्केट में मिलता है ये वो चिकन नहीं है, ये कुछ स्पेशल शॉप पर ही मिलता है। और ये जो चिकन है ना, पूरे चिकन को भून देते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग की जाती है और सेल किया जाता है। तो ये मैं सब आपको बताने जा रही हूँ, आगे वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और ये बहुत ही यमी बनता है, बिल्कुल चिकन जैसा नहीं, मटन जैसा इसका टेस्ट आता है, इस वाले चिकन का। एक बार आप बना के देखना। वैसे तो बनने में सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है कुक होने में। जिस तरीके से मटन में टाइम लगता है ना, वैसे ही इसमें टाइम लगता है, और उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। तो कम बजट में, जो लोग मटन नहीं खा सकते, कम बजट में खाने वालों के लिए ये चिकन बनाइएगा आप। बहुत टेस्टी दिखता है, और दिखने में कैसा लगता है, जो रॉ चिकन है वो भी इसमें मैं दिखाऊंगी अभी आपको। तो बस आप मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आगे शेयर ज़रूर करें मेरी वीडियो को, जिससे कि सभी लोगों को पता चल सके कि ये चिकन किस तरीके से बनता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलते हैं फ्रेंड्स हमारे किचन की तरफ, और देखते हैं कि इस लाजवाब, स्वादिष्ट, डिलीशियस चिकन को बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। तो आइए हमारे साथ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ रोस्टा चिकन। बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल मटन के जैसा बनता है, और मेहनत भी इसमें थोड़ा उतनी ही है जैसे मटन की होती है। तो इसके लिए मैंने खड़े मसाले, दही, ये थोड़ा सा प्याज को मैंने चॉप कर लिया है, ये मैंने मसाला पीसा है। इसमें मैंने साबुत लाल मिर्ची, जो कि घर में ही हरी मिर्ची लाल हो जाती है, वो मैंने कर लिया है। नहीं है तो आप हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं, लहसुन, अदरक और प्याज। और ये कुछ सूखे मसाले हैं, ये मैंने नमक लिया है, ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये है कोरिएंडर पाउडर, धनिया, ये मैंने चिकन मसाला लिया है, ये रेड चिली पाउडर है। ठीक है, अब आते हैं चिकन की तरफ। ये देखिए, ये होता है रोस्टर चिकन। ये जो लोग चिकन खाते हैं वो लोग जानते हैं कि रोस्टर चिकन क्या होता है। इसको चिकन को ही पूरे को भून देते हैं, और उसके बाद में इसको काट के सेल करते हैं। तो कैसे बनता है मैं दिखाती हूँ आपको। इसके लिए मैंने कुछ खड़े मसाले भी लिए हैं साबुत, ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने सब कुछ लिया है। दो बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्ची, जावित्री, लौंग, तेज़पत्ता, और ये दालचीनी। तो चलते हैं बनाने के लिए। देखिए, मैं सरसों के तेल में ही बनाऊंगी, नॉर्मल चिकन से कम तेल लगता है इसमें। तो इसमें सबसे पहले मैं डाल देती हूँ ये खड़े मसाले। सरसों के तेल को ना, मस्टर्ड जो ऑयल है, उसको मैंने अच्छे से भून दिया था, सॉरी, गर्म कर दिया है, तेज़ गर्म। और ये मैंने तो हम अच्छे से भून लेते हैं। प्याज को गोल्डन सा कर देंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करना, लाइट गोल्डन करना है इसको। ऑयल की जो हीटिंग है वो भी कंट्रोल में आ गई है। ये देखिए, गोल्डन सा हो गया है कलर इसका, प्याज का। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, मैंने पहले भी बताया था आपको। इसको भी हमें कम से कम, तकरीबन पानी जल जाएगा और 5 मिनट तक इसको भून लेना है। मसाला जब आपका 2 से 3 मिनट के लिए भून जाएगा, तो आपने डालना है इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और फिर सारे ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में मैं आप देखते रहिए कि मैं क्या डाल रही हूँ। मैंने डाला यहाँ पर सूखा जो पाउडर वाला में होता है गरम, धनिया पाउडर, ये देखिए धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड किया। रेड चिली पाउडर मैं इसमें ऐड करूँगी, और बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में मैं टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इन ड्राई मसालों को अच्छे से भूनने के लिए मुझे चाहिए थोड़े से पानी की ज़रूरत। तो थोड़ा सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगी, जिससे कि हमारे मसालों की भुनाई अच्छे से हो जाए और ये जले नहीं, इसमें इसकी खुशबू बरकरार रहे।
मसालों को हम अच्छे से भूनते रहेंगे, और भूनते भूनते जब इसमें तेल जो है हमारा सेपरेट होने लग जाएगा, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ तेल मेरा सेपरेट होने लग गया है। अब हम इसमें चिकन को ऐड करेंगे। चिकन को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था 3 से 4 बार पानी से, साफ़ पानी से। अब मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब चिकन को ऐड करने के बाद मैं इसकी होगी खूब भुनाई। जैसे कि हम मटन की भुनाई करते हैं ऐसे ही इसकी भी भुनाई होती है। इसको भूनने में भी टाइम लगता है, तभी इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। चिकन को आप 3-3, 4-4 मिनट के बाद चलाते रहिए अच्छे से, जिससे कि ये तले से ना लगे बर्तन के, और अच्छे से इसकी भुनाई होते रहे। भूनते भूनते ही आप देखेंगे कि ये पानी छोड़ने लग जाएगा चिकन, और इसमें ऑयल भी सेपरेट होने लगेगा। कुछ कुछ समय में हम इसको ढककर भी पकाना होगा, क्योंकि ये चिकन हार्ड है, देर से गलता है, और इसकी भुनाई भी हमें करनी है। तो देखिए पानी, चिकन ने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसको अभी हमें और भूनना है। चिकन भुन रहा है, इसमें ऑयल भी आने लग गया है, इसको 2 से 3 मिनट और हमें भुनना है। अभी हमें क्या करना होगा, चिकन में डालने के लिए हमें और सामान चाहिए। ये जो ले लिया था इसमें मैं अब ये चिकन का जो मसाला है ना, इसको डाल देती हूँ, और चम्मच से इसको अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें दही, में चिकन मसाला मैंने डाल दिया है, और इसको दही को मैं डालूँगी चिकन में, जिससे कि हमारा कम समय लेते हुए चिकन भी भुन जाए और दही की भी अच्छे से इसके साथ में भुनाई हो जाए। दही को अच्छे से मैंने फैट लिया है, फैटना ज़रूरी है। दही को फैटने के बाद क्या होता है कि फटता नहीं है दही, और गैस का फ्लेम हम पहले से ही कम करके रखेंगे। आपको ध्यान रखना है, पहले भी मैंने बात बताई है कि गैस का फ्लेम कम होने पर ही आपको दही का इसमें यूज़ करना है। फ्लेम एकदम स्लो है, और अब इसमें मैं दही डालने जा रही हूँ मसाले वाला। डालते ही हमें इसको चलाना है, जिससे कि ये फटे नहीं। और एक चीज़ और नोटिस की होगी आपने, मैंने अभी तक इसमें नमक नहीं ऐड किया है। नमक नहीं ऐड करना, क्योंकि नमक ऐड करेंगे आप तो दही के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब दही अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगा, उसके बाद ही हम नमक डालेंगे। दही डालने के बाद तकरीबन 5 मिनट भूने, उसके बाद नमक डालेंगे। ये देखिए गैस का फ्लेम एकदम स्लो है ना, गैस आँच कम होती चली जा रही है। देखिए तेल सेपरेट होने लग गया है, चिकन हमारा भुन रहा है। अभी है कसर, मैं इसमें सॉल्ट डाल देती हूँ। सॉल्ट आप एज पर टेस्ट डालिए, आपका कितनी क्वांटिटी है चिकन की, और कितना आपका टेस्ट है। कम खाते हैं तो फिर ज़्यादा खाते हैं, तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून चिकन को भूनते हुए मुझे लगभग 15 मिनट से भी ज़्यादा हुए हैं। पहले से ही मैंने गर्म पानी करके रखा है, नीचे तलने को लगने लग गया है। ऐड कर देते हैं सारा पानी, ठंडा पानी आपने बिल्कुल भी नहीं डालना, और इसको अच्छे से चलाते हुए हम कुकर का ढक्कन लगा के इसको 3 से 4 विसल आने तक पकाएंगे। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जितना आप नॉर्मल चिकन में पानी डालते हैं, थोड़ा इससे ज़्यादा ही पानी डलेगा। मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ग्रेवी वाला चिकन बनाया है, तो इसलिए मैंने इसमें पानी ज़्यादा डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग ही पानी रखें जितना आपके घर में खाया जाता है। आपको गाढ़ा खाना है तो पानी कम रखें, आपको सूपी जैसा खाना है कि ग्रेवी अच्छी सी हो तो आपको पानी ज़्यादा रखना है। तो ये देखिए हो गया है हमारा चिकन तैयार। अब मैं इसको थोड़ा धनिया पत्ती से गार्निश करूँगी, और उसके बाद में हम सर्व करते हैं इसको। तो कैसा लगा आपको, एक बार बना के देखना ज़रूर इस चिकन को। अगर आपके यहाँ मिलता है आसानी से तो आप लोग बना के देखना, फिर देखना इसका टेस्ट कितना अच्छा लगता है। जो लोग इस चिकन को एक बार खाएंगे ना, तो आप मटन खाना भूल जाएंगे, या जिनके बजट में नहीं है मटन, वो लोग तो फिर हमेशा यही चिकन खाएंगे।
तो बाय फ्रेंड्स, चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। क्या आएगी ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना है सब्सक्राइब के साथ, जिससे कि आपको पता चले कि मेरी नई वीडियो क्या है। और प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद में इसका फीडबैक ज़रूर देना कि आपको कैसा लगा है ये। मुझे तो बहुत पसंद आता है चिकन, इसलिए मैं मोस्टली यही वाला चिकन बनाती हूँ। मटन कम बनाती हूँ, क्योंकि मटन थोड़ा सा फैटी होता है। जो लोग वेट लूज़ करना चाहते हैं उनको तो मटन नहीं खाना चाहिए या बहुत कम खाना चाहिए, तो उनको यही चिकन खाना चाहिए, जिससे कि उनका वेट गेन भी नहीं होगा और बजट में भी रहेंगे और टेस्ट भी बना रहेगा। तो बाय, टेक केयर।